बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। डॉक्टर मंजूर हसन यूपी साहब, मेहमान मौजम और हाथी के बहुत पंगाल मुकाशिद के लिए अर्ज है कि जिंदगी को जहां अदा करती है मकसद की नदन, वरना हर एक आग की गिरती हुई दीवार है। हाजिर पोरम का मकसद अजीम फनकारों की ताजीम, फनकारों की तशहीर और तरवीज, यकीनन फन की बका के लिए ये कदम तहसीन है। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर और जदीद आलामत की वजह से किताबत की अहमियत और आबादियत कम हो गई है, लिहाजा इस फन के उरूज के लिए ये कोशिशों काबिल न्याय की जरूरी है। हाजरी, हमारा मकसद यही है कि किताबत कुरान की मयस्सर कलम से, किताबत कुरान की मयस्सर कलम से बशर की अजमत किसी के कलम से, अदब के तसव्वुर की बानी यही शय, अदब के तसव्वुर की बानी यही शय, मुसव्विर का पन भी आया हूं कलम से, और दुआ है ये आरिफ किताबत हो ऐसी नसीबे सहर आए बाके कलम से। हाजिर का जैसा कि हमारे दरमियान दो शख्सियात हैं, शफीर भैया सर और अहमद मुंतबा अक्कल कुआं सर, इनकी दुआ थी कि ऐसा कोई हुनर, कोई ऐसा कमाल दे यार मेरे वजूद की दुनिया में साथ दे, और कादिर है कायनात की हर एक शय पे तू, चाहे तो आसमां पे समंदर उछाल दे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ऐसा हुनर अता किया कि उन्होंने अपने दस्त मुबारक से कुरान शरीफ को तहरीर किया। इन तमाम चीजों की तशहीर और तरवीज के लिए इस नुमाइश का इनेकार किया गया है। गर्दिश-ए-अय्याम का इल्हाम कहते हैं कि रब का इनाम होता है, लिहाजा हमारी यही कोशिश रही है कि मालेगांव में जितने भी सत्ता किताबत करने वाले, कुछ नवी टोकरा लिखने वाले, इनके फनकारे इस नुमाइश में पेश किए जाए। हाजिर इकराम, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इल्म का जो मफहूम है, तदरीस तादीब तदरीब, तदरीस सभी जानते हैं, तालीम अदब करना, और तदरीब तदरीब यानी तदरीब यानी किसी भी फन में महारत हासिल करना। यकीनन ये इंसान के लिए बेहतरीन चीज है, हर फन में महारत हासिल करना लाजमी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि तबय्युन की अजमत, नजर की उसत, फिक्र की रिफत की अजीब सिफत फनकारों में का हयात कायम रहे। अल्लाह एक मरला और है कि हमारे में मेहमान जो है और स्टेज पर जो तशरीफ करते हैं मेहमान, हम उनका तारुफ और उनकी खिदमत में खुद पेश करेंगे। तारुफ के लिए मैं समझता हूँ कि कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बता देना जरूरी होता है कि आज हमने उन्हें क्यों मंजूर किया है या आज यहाँ पर उनकी मौजूदगी का मकसद क्या है। इसलिए मैं तारुफ में दो जुमले जरूर कहूँगा सबके लिए, और सबसे पहले हमारे सर साहब का तारुफ, हालांकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं ये बता देना जरूरी समझता हूँ, आप लोगों में से शायद बहुत कम होंगे कि 25 साल पुरानी बात है। बादशाह साहब, मैं और हमीद अंसारी साहब, ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब ने जमा किया, और ये हुआ कि आप लोग रिटायर हो गए हैं, लेकिन तालीम से दूर मत जाइए, आप लोग तालीम से जुड़े रहिए। तब उन्होंने एजुकेशनल फोरम की बुनियाद डाली और हम सब इकट्ठा करके, वो खुद प्रोग्राम तरतीब देती थी और हम लोगों से कहते थे इसमें ऐसा करना है वैसा करना है, हम लोग वो सब प्रोग्राम करते थे। आज उस प्रोग्राम अंजुमन को 25 साल होने पाए करीब करीब, इसमें नए बच्चे जुड़ गए हैं और बहुत अच्छे ढंग से वो तमाम कार्रवाई आगे हो रही है, लेकिन इसका जो बीज था वो चूंकि डॉक्टर मंजूर हसन यूपी साहब ने बोया था,
आज एक तनाव रक्त है, मैं किस हैसियत से उनका तारुफ कराते हुए हमारे बंबई के एक मेहमान है परेश खान साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि भूल देंगे डॉक्टर साहब का इस्तेमाल। परेश खान साहब का शुक्रिया। मैं इसके बाद उन्हीं से गुजारिश करूंगा खान साहब से कि बादशाह साहब की खिदमत में भूल पेश करें। आज उनको रिटायर होने के इतना लंबा सा हो गया है, वो अभी तक फ़ाल हैं और हर प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें ऐसे ही सेहतमंद रखे और हम सबके काम आते रहे। उसके बाद हमारे खास मेहमान जो हैं वो दो हैं, जिसमें से एक फरीद खान साहब हैं। बॉम्बे में उर्दू कारवा जो है वो एक अंजुमन है जिसके तहत उर्दू का वो काम करते रहते हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा बड़ी तफसील से इसके बारे में। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस मस्जिद मेहमान के इस्तकबाल करें। उसके बाद इम्तियाज साहब हैं, असल में ये इस प्रोग्राम की तहरीक जो है उन्हीं की तरफ से हुई थी। रिजवान रब्बानी और इम्तियाज साहब ये दोनों खताती करते हैं, कितावत करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं सबको। तो इन ये दोनों जब मिले साथ में तब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए। अब जब डॉक्टर साहब की सरपरस्ती इसमें हासिल हो जाती है तो प्रोग्राम इंशाअल्लाह ऐसे ही कामयाब होगा और होता है। ये इम्तियाज साहब में शहादत से आए हैं, स्कूल से मुंसलिक हैं, हाई स्कूल से मुंसलिक हैं, बहुत अच्छे कातिब हैं। अच्छा एक बात बता दो, दो जुमला बोलूंगा कि एक होता है खुशनवीस, एक होता है कातिब। हमारे अकबर मिर्जा हमेशा अपने आप को खुशनवीस लिखते थे, वो बोलते थे कि मुझको खूबसूरत अच्छा लिख लेता हूँ लेकिन किताबत का फन जो है वो मुझे नहीं आता उतना ज्यादा जैसा आना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह उसके बाद हमारे यहाँ अभी जितने हैं बहुत सारे कातिब हैं, उसमें जमाल साहब को बोलूंगा मैं, बोले यूवी साहब का नाम हमारे अहमद सईद वगैरह का जो खानदान खानवाला है हाफिज सुबान साहब का, ये बहुत अच्छे कातिब भी हैं। तो हमारे इम्तियाज साहब बहुत अच्छे कातिब हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि भूल देकर उनका इस्तकबाल करें। हमारे एक मेहमान सुहैल अहमद साहब सेवक सोसाइटी के सदर हैं और बहुत फ़ाल हैं। अखबार जो है उसके सामने गवाह रहती हैं कि वो कितना काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह खिदमत में जुड़े हुए हैं। एक दफा मैंने उनसे कहा था कि सुहैल क्या तुम इलेक्शन में खड़े होने वाले हो क्या? बोले नहीं सर, मेरा मकसद सिर्फ खिदमत करना है, इसलिए मैं खिदमत कर रहा हूँ। और आज तकरीबन 15-20 साल हो गया है वो खिदमत किए जा रहे हैं। इस हफ्ते के इलेक्शन में खड़े हो चुके होते, जीत भी गए होते या हार गए होते, जो उनके नसीब होता वो होता। पर सुहैल साहब के लिए मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उनकी खिदमत में भूल देकर उनके इस्तकबाल करें। रशीद आर्टिस्ट साहब, आप सब देख रहे हैं खुलिए से भी वो पूरे आर्टिस्ट लगते हैं, बिगड़े हुए बाल रहते हैं उनके, अभी तो दाढ़ी दार बनवा गया है चेहरा, दाढ़ी भी बड़ी रहती थी उनकी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाते हैं तस्वीरें। ये अलग बात है कि सारी दुनिया के लोगों के चारों के शेर पर तस्वीर बना देंगे, मेरा शेर उन्होंने आज तक नहीं किया। देखें कब वो मेरा शेर देख के मुझ पर मेरी एक तस्वीर बना देते हैं मेरे शेर पर। मैं महाज अयूबी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो रशीद आर्टिस्ट साहब के इस्तकबाल करें। खलील अब्बास हर प्रोग्राम में हाजिर रहते हैं, 12 बजे सो उठने वाले अगर 10 बजे के लिए प्रोग्राम में आ जाए तो ज्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक होते हैं। मैं उसे महाल अयूबी से गुजारिश करूंगा कि भूल देकर उनका भी इस्तकबाल करें। हमारे एजुकेशनल फोरम के कुछ नए आदित्यला साहब, उनसे गुजारिश है कि महाल अयूबी साहब की खिदमत में भूल देकर मैं तो बोलने वाला था ना कि औरों की तरह फेंके और गुल बल के समान भी आज अपने कर
का तारू भी हुआ, जो भी पेश किया गया हमारे चुके हो चुका था। ठीक है, देखिए जब प्रोग्राम जो है हर तरह की तरतीब से बेनियाज है तो डॉक्टर साहब दुबह सदारत के लिए तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुबह सदारत पेश करें। अल्लाह ताला का बहुत ईश्वर करम है, ये जिस मकसद के लिए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत ही कामयाबी मिली, और मालिकों शहर बहरून शहर से भी कत्ता हजरात ने जो है काफ़ी काम लिया। मैं इसके लिए जल्दी खड़ा हो गया कि जब 11-12 बजने लगते हैं तो लेडीज यूं जो धीरे धीरे पीछे गायब होने लगती है। मैं बोले इससे पहले वो गायब हो उनकी मौजूदगी में सब बात जो है मुझको इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि मैं अहमद भाई को इतना बैठता था, अहमद भाई के साथ था, अहमद भाई की सरपरस्ती बहुत सारे काम करता था, गुलायमी साहब से जब उनकी सरपरस्ती में काम करता था। ये हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात है यार, फरीद अहमद साहब जो है वो मुंबई के हमारे यहाँ तस्वीर का है, मैं उनकी मौजूदगी में इस बात को आपके सामने रखता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है जितने मालेगांव शहर में और पूरे महाराष्ट्र में कैलीग्राफिक सेंटर के सब बन रहे हैं। ये तो हमारी अपनी सेकुलर गवर्नमेंट है, आपकी भी रिसाई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भी रिसाई है, हम दोनों में भी कभी कोशिश करेंगे तो वो तमाम कैलीग्राफिक सेंटर जो महाराष्ट्र में बंद हो गए हैं वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। रकम की कोई बात नहीं है, वो 6,000 रुपये कुछ उस वक्त मिलता था, ग्रांट की कोई बात नहीं है, लेकिन वो सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू चलने से लोगों के अंदर दिलचस्पी होती है और लोगों के अंदर जो है उनके हुकूम जो अच्छे अच्छे तरीके से आते रहते हैं। दूसरी बात जो है, कल मैंने रशीद डॉक्टर साहब पाँच दिन बाद मेरी मुलाकात की, कल मैंने उनसे एक बात कभी फिर किया, रात में ये बात आपके सामने उसका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि रशीद साहब की उम्र जो है मैं समझता हूँ 77-78 साल की होने जा रही है, और उनके पास 60-65 ऐसे अशार के साथ पेंटिंग मौजूद है। मैं उस किताब को जो है पूरा शायद करके उसका अजरा कराऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, और अजरा कराने के बाद जो एक अच्छा प्रोग्राम में रशीद भाई का इजाद करूंगा मैं, ये कल मैंने उसका इजाद किया है। तो ये तमाम काम करने का मकसद सिर्फ ये कि आप उर्दू से जुड़े रहिए, सियासत का तो है आ जाएंगे तकरीर करेंगे चले जाएंगे, हमारा आपका काम है कि सभी लीला ये काम को अंजाम देते रहना चाहिए, और मैं इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि फरीद साहब के पीछे लग के ये कैलीग्राफी सेंटर जो बंद हुआ है ना उसको चलाने शुरू करने की कोशिश करूंगा। आपकी दुआएं रही, आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही ये काम जरूर मैं करूंगा। सदा के ये 4 राखी जिन्होंने दिन रात एक किया और इस नुमाइश का इंतजाम किया, मैं सबसे पहले एजाज सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए और डॉक्टर साहब से गुल लेकर बी ए के मुस्तैद कर डॉक्टर साहब। ये रात के 3-4 बजे अगर रोज भिड़े रहते हैं तो बड़ा काम करते हैं ये लोग। मैं रिजवान रफ्फानी साहब आप तशरीफ लाएँ और डॉक्टर साहब से गुल हासिल करें और गुल बस हो जाएंगे। जायद यूसी साहब तशरीफ लाएँ, आरिफ गुलाब साहब, आरिफ साहब कहाँ है मंसूरा दर्द, ये हर मस्जिद में देर से आते हैं लेकिन वक्त पर आते हैं। 55 और 95
हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।